जो अभी वेपन रोल चल रहा है फ्री फायर में, इसके बाद नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर कौन सी गन स्किन आने वाली है ये तो मैं तुम्हें इस वीडियो के अंदर बता ही दूंगा। एंड जो भी गन स्किन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो 100% कन्फर्म नहीं, 200% कन्फर्म डेट, तो मैं तुम्हें ज़्यादा सस्पेंस में नहीं रखता हूँ। तुम लोग गाइस यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो हमारे नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर आने वाली गन स्किन्स। आई नो गाइस आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर एक नहीं दो नहीं तीन तीन गन स्किन्स जो है वो दिख रही है, इसका ये मतलब तो बिल्कुल भी नहीं है कि नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर तुम लोगों को तीन तीन गन स्किन जो है वो मिलने वाली है। नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर तुम लोगों को जो है एक ही गन स्किन मिलने वाली है। मैं जस्ट इतना चेक करना चाहता हूँ कि तुम लोग जो है गरीना के दिमाग को कितना समझते हो। तुम लोग गाइस गैस करो कि कौन सी गन स्किन जो है इनमें से जो है नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर आएगी, कौन सी गन स्किन जो है गरीना एक ऐसे इवेंट के अंदर देगा जिसके थ्रू जो है तुम लोगों से जो है डायमंड गरीना जो है ऐड सकता है। तो गाइस इसको चेक करने का तो एक ही तरीका है, तुम लोग गाइस कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि इन तीनों में से जो है गाइस कौन सी गन स्किन गरीना जो है वेपन रोल के अंदर देगा, कौन सी गन स्किन जो है वो एक ऐसे इवेंट के अंदर देगा जिसके थ्रू तुम लोगों से जो है डायमंड ऐड सके। तो गाइस चीटिंग बिल्कुल भी मत करना, कहीं तुम लोग वीडियो को एंड तक देख लो और फिर मुझे कमेंट करके बताओ कमेंट सेक्शन के अंदर कि नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर कौन सी गन स्किन आने वाली है एंड वेब इवेंट के अंदर जो है कौन सी गन स्किन आने वाली है, क्योंकि वीडियो के आगे तो मैं तुम लोगों को पूरी सच्चाई बताई देने वाला हूँ कि कौन सी गन स्किन जो है वो वेपन रोल के अंदर आएगी एंड कौन सी जो है वो यहाँ पे हमारे वेब इवेंट के अंदर आने वाली है। तो तुम लोग जो है गाइस अभी कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे कमेंट करके बताओ कि तुम लोगों को क्या लगता है इन तीनों में से जो है कौन सी गन स्किन गरीना जो है हम लोगों को वेपन रोल के अंदर दे सकता है एंड कौन सी गन स्किन जो है हम लोगों को गरीना एक ऐसे इवेंट के अंदर दे सकता है जिसके थ्रू गरीना जो है अराउंड तुम्हारे 1K डायमंड्स तक जो है वो लूट सके। बाय द वे गाइस यहां पे मैं तुम्हारा 80% तक जो डाउट है ना नेक्स्ट वेपन रोल से रिलेटेड कि नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर कौन सी गन स्किन आने वाली है उसको तो मैं अभी क्लियर कर देता हूं तीनों की तीनों गन स्किन्स के एट्रीब्यूट्स बता के। तो शुरुआत करते हैं गाइस यहां पे शॉटगन की गन स्किन के एट्रीब्यूट से। तो इस गन स्किन के अंदर तुम लोगों को देखने को मिल जाता है गाइस यहां पे सिंगल डैमेज, डबल रीलोड स्पीड माइनस में गाइस यहां पे मोमेंटम स्पीड। तो ओवरऑल जो है गाइस ये वन ऑफ द बेस्ट शॉटगन की गन स्किन है अभी फ्री फायर के अंदर, मींस आई नहीं है, जब भी ये गन स्किन आएगी फ्री फायर के अंदर ये बेस्ट गन स्किन होगी शॉटगन की, क्योंकि इससे पहले जितनी भी शॉटगन की स्किन्स आई हैं उनके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है एंड इस गन स्किन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स है इस गन स्किन के एट्रीब्यूट्स उन गन स्किन्स के एट्रीब्यूट्स से कई गुना जो है ज़्यादा अच्छे हैं। क्योंकि गाइस यहाँ पे अगर तुम किसी शॉटगन की गन स्किन के अंदर जो एट्रीब्यूट्स देखोगे तो तीन ही चीज़ें जो है गाइस यहाँ पे मैटर करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ पे डैमेज, देन गाइस रीलोड स्पीड, देन गाइस यहाँ पे मैगजीन। तो मैगजीन तो इसके अंदर है नहीं, बट गाइस यहाँ पे रीलोड स्पीड है एंड डैमेज है। क्योंकि देखो यार शॉटगन को तो तुम दूर से तो चला नहीं सकते ना यार, रश मारना पड़ता है एंड रश मारने के दौरान गाइस यहाँ पे तुम्हें चाहिए क्या होता है, जल्दी से तुम्हारी जो एमो होती है वो रीलोड हो जाए एंड गाइस यहाँ पे जो डैमेज है वो भी हाई हो। तो दोनों ही चीज़ें जो है गाइस इसके अंदर है एंड ओवरऑल जो है गाइस ये बेस्ट शॉटगन की गन स्किन होने वाली है जब भी फ्री फायर के अंदर ये आएगी एंड कब आएगी कैसे आएगी ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा इस वीडियो के अंदर। ओके तो गाइस यहाँ पे मैंने आप लोगों को शॉटगन के एट्रीब्यूट्स तो बता दिए, अब मैं तुम्हें जो है गाइस यहाँ पे अपनी SMG गन यानी कि गाइस ये जो वेक्टर है इसके एट्रीब्यूट्स भी जो है गाइस आप लोगों को जो है बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे ये जो वेक्टर है इसके अंदर आप लोगों को गाइस एट्रीब्यूट्स के तौर पर जो है देखने को मिल जाने वाला है गाइस यहाँ पे डबल रेंज, सिंगल मैगजीन, माइनस में जो है गाइस यहाँ पे इसकी एक्यूरेसी है। तो ओवरऑल जो है गाइस ये गन स्किन भी काफ़ी ज़्यादा जो है सही है, ये और ज़्यादा सही हो सकती थी अगर इसके अंदर जो है गाइस गरीना जो है डैमेज या फिर रेट ऑफ फायर जो है वो ऐड कर देता, बट गाइस यहाँ पे कि जो वेक्टर है उसके अंदर जो है गाइस यहाँ पे उसकी रेंज जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है कम होती है। अगर आप लोग दो वेक्टर्स को एक साथ यूज़ करते हो तो यहाँ पे जो है गाइस काफ़ी ज़्यादा जो है फ़ायदा हो जाएगा अगर आप लोग ये गन स्किन यूज़ करोगे, क्योंकि इसके अंदर जो है गाइस यहाँ पे डबल रेंज है यानी कि गाइस 20% तक जो रेंज होगी वेक्टर की वो जो है गाइस यहाँ पे इंक्रीज हो जाने वाली है। तो ओवरऑल जो है गाइस ये गन स्किन भी काफ़ी ज़्यादा जो है बढ़िया होने वाली है। तो गाइस मैंने आप लोगों को अपनी शॉटगन प्लस SMG दोनों के ही एट्रीब्यूट्स जो है वो बता दिए, अब गाइस मैं आप लोगों को अपनी AR गन यानी कि पैराफल जो है इसके एट्रीब्यूट्स भी जो है आप लोगों को बता देता हूँ। तो गाइस ये जो पैराफल की स्किन है इसके अंदर आप लोगों को एट्रीब्यूट्स के तौर पे जो है देखने को मिल जाता है डबल रेंज प्लस में, प्लस गाइस इसके अंदर आप लोगों को रेंज भी एक्स्ट्रा देखने को मिल जाता है एंड माइनस में जो है गाइस इसका मोमेंटम स्पीड है। तो कंपेयर टू अदर गन स्किन ये गन स्किन जो है गाइस वर्स्ट है, बिकॉज इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स दिए गए हैं वो किसी भी AR गन के अंदर जो है गाइस यहाँ पे लगने लायक है ही नहीं, बिकॉज गाइस कोई भी AR गन हो उसके अंदर गाइस कोई भी बंदा जो है मैगजीन एंड रेंज को जो है प्रीफर नहीं करता है। जो चीज़ें मेन होती है किसी भी AR गन के अंदर वो होती है गाइस उसका डबल रेट ऑफ फायर या फिर गाइस डैमेज, ये दो चीज़ें जो है गाइस मेन होती है यानी कि रेट ऑफ फायर एंड डैमेज। एंड इस गन स्किन के अंदर ना ही रेट ऑफ फायर ऐड किया गया है ना ही गाइस यहाँ पर डैमेज ऐड किया गया है। तो ओवरऑल जो है गाइस ये गन स्किन वर्स्ट है मेरे अकॉर्डिंग। बाकी आप लोगों को क्या लगता है ये गन स्किन के अंदर ये एट्रीब्यूट्स गरीना को देने चाहिए थे या फिर इसके अंदर डैमेज या फिर रेट ऑफ फायर ऐड करना चाहिए था? तो ठीक है गाइस यहाँ पर मैंने तुम लोगों को तीनों गन स्किन जो है तीनों के तीनों की जो है गाइस एट्रीब्यूट्स है वो बता दिए। अब बारी बारी करके मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कौन सी गन स्किन किस इवेंट के थ्रू जो है आप लोगों को मिलने वाली है। तो शुरुआत करते हैं गाइस इस शॉटगन की गन स्किन से। तो गाइस ये जो शॉटगन यानी कि अपनी M187 की
गन स्किन है, ये आप लोगों को मिलेगी गाइस अपने रोल द डाइस इवेंट के थ्रू। एंड तुम्हें पता होगा गाइस ये जो रोल द डाइस इवेंट है इसके अंदर से अगर तुम कोई भी गन स्किन अनलॉक करते हो तो अराउंड तुम्हें जो है गाइस 1K से 1.5K तक डायमंड्स जो है वो इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, यानी कि 1000 डायमंड से लेके 1500 डायमंड तक जो वो लगाने पड़ते हैं। एंड कभी कभी तो जो है 2000 डायमंड भी तुम्हारे लग जाते हैं रोल द डाइस इवेंट के थ्रू कोई भी गन स्किन अनलॉक करने के लिए। तो ये समझ लो कि ये गन स्किन जब आएगी रोल द डाइस इवेंट के अंदर तो तुम्हारे पास अराउंड 2000 डायमंड्स तक जो है वो होने चाहिए अगर तुम इस गन स्किन को जो है अनलॉक करना चाहते हो तो। एंड अब बात करते हैं गाइस इस वेक्टर गन स्किन का। तो बेसिकली गाइस ये जो वेक्टर के गन स्किन है ये आप लोगों को मिल जाने वाली है गाइस हमारे नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर। एंड अगर तुम में से किसी को मेरी इस बात का यकीन नहीं हो रहा है तो तुम लोग जो है गाइस कमेंट करके कमेंट सेक्शन के अंदर मुझको बता देना, मैं तुम्हें जो है गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रूफ भी दे दूंगा कि ये जो वेक्टर की गन स्किन है ये नेक्स्ट वेपन रॉयल के अंदर जो है क्यों आने वाली है। एंड जिसको मुझ पर विश्वास है वो जो है गाइस यहाँ पर मान के चलो कि 110% ये जो गन स्किन है वेक्टर की ये आप लोगों को मिलने वाली हमारे नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर। एंड गाइस अब बात करते हैं हमारी लास्ट पैराफल की। तो बेसिकली गाइस ये जो पैराफल की गन स्किन है ये बिल्कुल ही काम की नहीं है। एंड गरीना अगर इसे किसी अच्छे इवेंट के अंदर देगा तो भाई इसे कोई भी अनलॉक करने वाला है नहीं। तो बेसिकली गाइस ये जो पैराफल की स्किन है ऐसा मुझे लगता है ये नेक्स्ट के नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर आएगी या फिर जो है गाइस ये जो पैराफल की स्किन है ये किसी ऐसे इवेंट के अंदर आएगी जिसको जो है बेसिकली सेकंड प्राइस के तौर पे जो है रखा जाएगा। तो ओवरऑल आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड स्टे सपोर्टिंग टाटा गाइस। एंड याद से वीडियो को लाइक, चैनल पे नए थे तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना।